अगला जो कंसेप्ट है वो है फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी। अब इसके तहत क्या होता है, मान लीजिए e की पावर में लॉग है, क्या बोला मैंने, e की पावर में लॉग है, बेस में है e और इधर है x, या फिर e की पावर में लॉग है इधर x है, अगर बेस में कुछ नहीं है तो e होता है। ये लॉगरिदम ज्यादा डिटेल में मैंने लॉग में पढ़ा रखा है। देखिए डियर स्टूडेंट, लॉगरिदम इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, तो प्लीज आप व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी लॉगरिदम चैप्टर की, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। लॉगरिदम पहले पूरा पढ़ा दिया गया है, अगर आपको लॉग चैप्टर की लिंक चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, वहां पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी मैं सिर्फ बता देता हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन में यूज होने वाला है। पूरा आप वीडियो एक साथ देख सकते हो, लॉगरिदम पे मैंने बना रखा है वीडियो, आप वो पूरा चेक करो, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो लॉगरिदम बाय मंधान अकेडमी। बट इस समय पे लॉग पूरा पढ़ाना संभव नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं। प्रॉपर्टी क्या है, देखो, ई की पावर में लॉग है, बेस में है ई, ई की पावर में लॉग है, बेस में है कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब ई होता है। अगर ये कंडीशन आती है कि लॉग का बेस और पावर का बेस सेम हो तो ये एक्स बाहर आ जाएगा, दिस इज फाइनल आंसर। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फाई की पावर में है लॉग, बेस में है फाई और इधर है आपकी प्यारी एक्स। फाई की पावर में है लॉग, समझो आपकी बारे आपका लकी नंबर ले लेते हैं, सेवन की पावर में है लॉग सेवन और आपकी है प्यारी एक्स। फाई की पावर में लॉग है, बेस में फाई है, बेस में फाई, जब ऐसा सेम कंडीशन रहता है तो आपकी जो प्यारी सी एक्स है वो जंप मार के बाहर आ जाएगी। बेस में सेवन है, लॉग पावर में है, बेस में सेवन में है, लॉग पावर में है, लॉग का जो बेस है वो भी सेवन है, जब पावर के लॉग का बेस सेम हो एक्सपोनेंशियल बेस के, तब आपकी प्यारी सी एक्स जंप मार के बाहर आ जाएगी। That's it. तो ये है फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी। अब इसका एप्लीकेशन यही है कि बेस का और लॉग का बेस सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस सेम होना चाहिए। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो पहला सवाल है y इक्वल टू देखना अच्छे से, 25 रेस टू लॉग ऑफ x बेस 5, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव लेना है कोई बड़ी बात नहीं, या तो a रेस टू x से ले लो। दूसरा लॉजिक मैं बताता हूं क्या है, सुनो, अब इसको सिंप्लीफाई करो। देखो इधर 25 है, क्या लॉग के बेस में भी 25 है, नहीं है, पर 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, कैन आई राइट 25 एज 5 का स्क्वायर, यस। लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, वो लोग ये हैं जो किसी को ऊपर उठाते हैं, वो लोग ये हैं जो किसी को नीचे गिराते हैं। इस दुनिया में वो लोग ये हैं जो किसी को ऊपर उठाते हैं, वो लोग ये हैं जो किसी को नीचे गिराते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार टू जंप मारे और टू यहां पे जंप मारे, ऐसा लिखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, बाय फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा पता है, फाई लॉग फाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस है फाई, पावर में है अकेला लॉग जिसका बेस है फाई, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सो इट इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव गली के छोटे छोटे बच्चे तक को पता है 2x. सो दिस इज हाउ द फंडामेंटल लॉ प्रॉपर्टी इज. आपके सामने दो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ये आपको सॉल्व करने हैं. ये तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, हैव अ नोट ऑफ इट. एक सवाल है हमारे सामने, y इक्वल टू e की पावर में log log x का स्क्वायर माइनस log ऑफ x. सो बाय यूजिंग फंडामेंटल log प्रॉपर्टी, आपको पता है e की पावर में लॉग है जिसका बेस कुछ नहीं है तो e होता है. यूजुअली लॉग बेस e इज इक्वल टू लॉग बेस e, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा है तो लॉग के बेस में e रहता है. अधिक जानकारी आप पुराने वीडियो में जाके देख लीजिए या फिर YouTube पे सर्च करिए लॉगरिथम बाय मंदाना अकेडमी. खत्म. तो फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे उतरेगा. अब आप बोलोगे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, इरेस टू एक्स का डेरिवेटिव इरेस टू एक्स बटा एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, कर सकते हो. बट यू वुड बी एक्सपेक्टेड, द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू सॉल्व एज सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल. तो सिंप्लीफाइड एक्सर एक्सपेक्टेड रहता है एग्जाम में, इसकी वजह से किया. ठीक है, आगे. अब इसका डेरिवेटिव लो, क्योंकि हम डेरिवेटिव ही ले रहे हैं. सो डेरिवेटिव में दोनों का डेरिवेटिव आएगा. log x का होल स्क्वायर, x रेस टू n का डेरिवेटिव n, x रेस टू n माइनस वन. अरे बड़ी x था क्या, ये x नहीं था. सो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. दूसरी बात, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर, बड़ी x था क्या, ये x नहीं था. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज ओवर. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, y इक्वल टू e की पावर में log साइन x माइनस कॉस x, y इक्वल टू e की पावर में, a नहीं लिख लेते, k की पावर में log साइन x माइनस 33 0. ठीक है, y इक्वल टू s की पावर में, s मतलब क्या, सनी, s से अपना फेवरेट है ना, सनी देओल, सनी देओल. ठीक है, तीन क्वेश्चन कर लो. आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं. कॉन्फिडेंस तूफान की तरह तेज होते जा रहा है. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट.
चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। पहला सवाल, डायरेक्टली डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अरे बटो एक्स था क्या? वो एक्स नहीं था, जो एक्स नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। अरे बटी एक्स था क्या? ये एक्स नहीं था, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स स्क्वायर। बटी एक्स था क्या? ये एक्स नहीं था, 2x। ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करा था, बट एक रिविजन के लिए मैंने करा दिया। काफी सिंपल था, कुछ भी दम नहीं था। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, जब कभी आप इस टाइप के क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले रहे हो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है कि जब कभी भी आप डेरिवेटिव ले रहे हो, सो लेट्स से यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, वो होता है 1/x। व्हाट डज इट एम्प्लाई इज दैट, वो ऐसा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बेस में ई है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, गुड कूल बढ़िया, पर लॉग एक्स के बेस में ई रहता है यूजुअली। क्या यहाँ पे बेस में ई है? नहीं है, तो ये तो आपको लर्न है ना। मेरे पास लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x तभी होता है जब बेस में ई हो, तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगेगी। उसके अनुसार क्या होता है कि समझो लॉग एक्स बेस वाई, मतलब क्या, देखो आपकी प्यारी सी एक्स और आपका प्यारा सा वाई लिख दिया, लॉग एक्स बेस वाई है, तो ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर के फ्लोर पे, नीचे वाला नीचे के फ्लोर पे। क्लियर है? लॉग के ऊपर वाला फ्लोर ऊपर, नीचे वाला फ्लोर नीचे, लॉग ऊपर वाले को भी मिलेगा, लॉग नीचे वाले को भी मिलेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। ज्यादा जानकारी के लिए आप YouTube पे सर्च करें लॉगरिदम बाय मंधान अकेडमी MANDHAN, ताकि आपको सारे डिटेल्ड पॉइंट मिल सके। आगे नेक्स्ट, तो यहां पे हो जाएगा y इक्वल टू log ऑफ log x log ऑफ e स्क्वायर। जैसे कि आप सब जानते हो e इज अ यूलर्स कांस्टेंट, ये एक नंबर है, ठीक है? तो नंबर का डेरिवेटिव जीरो आता है, पहली बात। कांस्टेंट रूल से कांस्टेंट बाहर भी जा सकता है, दूसरी बात। साथ ही साथ मैं e रेज टू स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन बता दूं, आप log ऑफ e स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हो, इट इज लाइक 2 log e। वो लोग ही हैं जो किसी को ऊपर उठाते हैं, वो लोग ही हैं जो किसी को नीचे गिराते हैं। तो इस तरीके से गिराने और उठाने की लोगों की परंपरा है यारो, ये लोग कभी कभी किसी को उठा लेंगे, ये लोग कभी कभी किसी को गिरा लेंगे। तुम हौसला मत छोड़ा मेरे दोस्तों, तुम बस मेहनत करते रहो, लोग चाहे जो करे तुम अपने आप को जरूर ऊपर उठा सकते हो और अपनी पोटेंशियल, अपनी काबिलियत को प्रूफ करके कुछ बड़ा कर सकते हो। दिस इज AK मंदान, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो वो लोग ही हैं जो किसी को ऊपर उठाते हैं, वो लोग ही हैं किसी को नीचे गिराते हैं। असं कसं रे, लोकांची ऐकायची नाही रे, वो स्वतःची मेहनत करायची, पुढे व्हायचा आणि यशस्वी व्हायचा। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, ऑल द बेस्ट। तो ये 2 log e हो गया है। लॉग ई की वैल्यू आती है 1। ये हमने कहां सीखा है? लॉगरिदम में। लॉग ई की वैल्यू 1 आती है। क्यों आती है? वो लॉग चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो 2 × 1 2 आ जाएगा। सो बेसिकली ये 2 है, मैं 2 को बाहर फेंकता हूं क्योंकि वो कॉन्स्टेंट रूल से हट जाएगा। अब चलिए डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के लिए हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx बाहर, 1/2 बाहर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। बट एक्स था क्या? ये एक्स नहीं था, जो एक्स नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव। ओवर आ रहा है मजा, ठीक है? हैव अ नोट ऑफ इट। और लॉगरिदम पूरा डिटेल में आप देख लो, फिर भी मैंने जितना डिटेल में बताया शायद ही आपको कोई बताए, क्योंकि डेरिवेटिव के टाइम पर लॉग के बेसिस कौन डिस्कस करता है? कोई नहीं, बट मंदान है तो मुमकिन है।
प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम आप 10 फ्रेंड्स को जाके बताओगे, वीडियो शेयर करोगे ताकि उनका भी फायदा हो सके। देखो आपसे कोई लाखों रुपए तो नहीं मांग रहा है, बट क्या आप शेयर नहीं कर सकते? अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ है तो जरूर अपने 10 फ्रेंड्स को जाके व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करिए और उन्हें कहिए कि विजिट मंधान अकेडमी टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल गुड स्कोर इन द मैथमेटिक्स। लिख लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए, वरना 500 करोड़ का फाइन है।